राजेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो डे वन के ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि हम लोग एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाते हैं, उसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। हमने टेक्स्ट व्यू बटन और एडिट टेक्स्ट व्यू को यूज़ भी करा था, हमने एक छोटा सा ऐप भी बनाया था। और उस ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था कि हम लोग को एक बर्थडे विशेज ऐप बनाना है, तो वो चैलेंज आज हम यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बर्थडे ऐप चैलेंज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नया एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेम जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं नाम दूँगा बर्थडे विशेज ऐप। तो मैंने यहाँ जो नेम दिया है वो बर्थडे विशेज ऐप दिया है, जो कि हमारा एक चैलेंज था। बाकी मैं इसे यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपका कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। तो हमारा चैलेंज ये था कि हम लोग यूज़र से एडिट टेक्स्ट व्यू में कुछ एक बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल का नेम एंटर कराएंगे और ऑन क्लिक पे हमें उसे बर्थडे विश करना है। तो यहाँ पर हमारी मेन एक्टिविटी रेडी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे बिल्ड जो है ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और हमारा इमुलेटर भी स्टार्ट हो रहा है, तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो इसको मैं कोड व्यू में कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लीनियर लेआउट यूज़ करना है। कंस्ट्रेंट लेआउट हम लोग यूज़ करेंगे जब मैं आपको लेआउट वाला लेआउट बताऊँगा कि लेआउट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। तो अभी के लिए हम लोग इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों लग रहा है मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लीनियर लेआउट ले लिया हम लोगों ने। हाँ, तो यहाँ पे लीनियर लेआउट हम लोग ले चुके हैं। लीनियर लेआउट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लीनियर लेआउट में इसकी ओरिएंटेशन सेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीनियर लेआउट हमारा जो होता है वो कंपोनेंट को अरेंज करता है या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली। तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल लीनियर लेआउट ले लेंगे। अब इसको मैं डिज़ाइन व्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से सबसे पहले जाइए हमें एडिट टेक्स्ट व्यू। अगर यहाँ पर एडिट टेक्स्ट व्यू आप सर्च मारेंगे तो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एडिट टेक्स्ट व्यू ले लिया है, इसका मैं मार्जिन सेट कर दूँगा। तो मैं दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि हम लोग मार्जिन कोड के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। जस्ट ये हमारा एक एडिट टेक्स्ट व्यू है और यहाँ पे हमने हिंट दे दिया एंटर नेम। सो यहाँ पे हम लोग लेआउट मार्जिन सेट करेंगे। जस्ट आप मार्जिन लिखेंगे तो आपको यहाँ पर सजेशन मिल जाएगा। तो हमें मार्जिन सेट करना, हमें चारों तरफ से लेना है मार्जिन, तो हम लोग केवल मार्जिन लेंगे। तो ये से 16 dp कर दिया मैंने। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका मार्जिन सेट हो चुका है।
तो ऐसे ही अब हम एक बटन लेंगे और ऐसे ही एक टेक्स्ट व्यू लेंगे जिस पे कि हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है बर्थडे का। अब जल्दी से हम इसका भी मार्जिन सेट कर देते हैं बटन और उसका। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट जो है वो अरेंज हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनकी आईडी सेट करनी है। तो अगर मैं कोड व्यू में जाऊँ, आप डिज़ाइन व्यू से भी आईडी सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे एट्रीब्यूट्स में सबसे ऊपर आईडी आ रहा है, तो सबसे पहले हमें एडिट टेक्स्ट व्यू की आईडी सेट करनी है। तो लेट्स से हमने इसकी आईडी सेट कर दी पर्सन नेम एडिट टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग बटन की आईडी सेट करेंगे। बटन की आईडी लेट्स से मैंने अभी के लिए रख देता हूँ मैं क्लिक बटन। और बटन पे जो टेक्स्ट होगा वो हम लोग सेट करेंगे लेट्स से प्रेस मी। और ये टेक्स्ट व्यू की आईडी ले लेता हूँ मैं बर्थडे टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट ऐड कर लिए हैं तीनों, और वो कंपोनेंट ऐड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आईडी वगैरह सब सेट कर दिया। अब हम लोग जाएंगे बैकएंड लॉजिक पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तीन वेरिएबल को कास्ट करेंगे। पहला तो है टेक्स्ट व्यू, दूसरा है बटन, तो सबसे पहले हमने एडिट टेक्स्ट में लिया है। इसमें हम लोग लेंगे मैसेज टेक्स्ट, जिसमें कि हम लोग बर्थडे मैसेज बाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक है बटन, बटन में हमारे पास सपोज करिए कि हमें जो बटन क्लिक करना है उसको हमने वेरिएबल ले लिया क्लिक मी बटन, और थर्ड वन है एडिट टेक्स्ट। जिसको हमने बोल दिया यूजर इनपुट। अब हम लोग यहाँ पे जो भी हमने आईडी दी थी उसको यहाँ पे कास्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडिट टेक्स्ट को करते हैं। एडिट टेक्स्ट क्या है, यूज़र इनपुट एडिट टेक्स्ट इक्वल टू, हमारे पास एक मेथड होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, और हमारी उसकी आईडी क्या थी, यहाँ पे हमने जो आईडी ली थी पर्सन नेम एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे पर्सन नेम एडिट टेक्स्ट आपको सजेशन में मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग करेंगे बटन के लिए क्लिक मी बटन, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पे क्लिक बटन। और तीसरे जो था हमारे पास वो है टेक्स्ट व्यू,
यहाँ पे लिख देंगे मैसेज टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड वी बाई आई डी, और यहाँ पे जो हमारा मैसेज टेक्स्ट था वो था जिस पे हम लोग मैसेज प्रिंट कर रहे थे उसकी आईडी थी बर्थडे टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग आईडी ले लेंगे बर्थडे टेक्स्ट, इसको यहाँ पे मैंने टर्मिनेट लगा दिया। अब हम लोगों क्या करना है, अब हम लोग को जो भी यूज़र उसमें इनपुट करेगा उससे टेक्स्ट उठाना है। तो हमने यूज़र जो भी इनपुट कर रहा है स्ट्रिंग में ले लेंगे हम उसे एक स्ट्रिंग एस इक्वल टू यूज़र इनपुट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, एक मेथड होता है गेट टेक्स्ट जिससे कि हम जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो हमें मिल जाएगा, उसको हम लोग टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे टू स्ट्रिंग। अब यूज़र का जो भी इनपुट होगा ये हमारे पास एस वेरिएबल में आ गया है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद हमको क्लिक मी बटन पे क्लिक सेट क्लिक लिसनर सेट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको कल बताया था जो कोड, उस बटन का नाम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो यहाँ पे इसको इनपुट कर लेंगे। सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे न्यू व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा डब कर्ली ब्रेसेस के साथ। तो इस पर जैसे ही आप आएंगे उसके बाद एंटर मारिएगा तो ये ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इस बटन क्लिक पे हमको ये जो एस में जो भी वैल्यू है वो मैसेज टेक्स्ट में सेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज टेक्स्ट का यूज़ करेंगे डॉट सेट टेक्स्ट एस, बट मैंने आपसे कहा था हाँ यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि हमको एक, तो ये हो गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर हम ये जो चीज़ है इसको कॉपी करके एस की जगह लिख दें तो ये, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। और यहाँ पे हम जो है ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, यहाँ पे टर्मिनेटर। सो हमको इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो ये लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो फ्लो है वो ये, यूज़र ने जैसे ही बटन पे क्लिक करा उसमें हमने मैसेज टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट करा और यूज़र इनपुट टेक्स्ट से उसकी वैल्यू ले ली। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और करना था कि यूज़र जो भी उसका नाम ऐड करेगा उसके बाद हमें कॉमा लगा के हैप्पी बर्थडे करना था या फिर हैप्पी बर्थडे पहले विश करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे ऑपरेटर के थ्रू, जैसा कि आपने जावा में पता होगा आपको कैसे ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कॉन्केटिनेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली हैप्पी बर्थडे कॉमा, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो चुकी है। और इसको मैं एक बार चला के देखता हूँ, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। ओके यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना भूल गया मैं। तो अभी इस ऐप को चला के देखते हैं दोस्तों, मैं इस ऐप को रन करता हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ नेम एंटर करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ लिखता हूँ जॉन, एंड बटन पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हैप्पी बर्थडे कॉमा जॉन आ रहा है। अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ राजेंद्र, तो यहाँ पे आएगा हैप्पी बर्थडे राजेंद्र। तो यही हमारा चैलेंज था जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपने क्या कराया और मैंने क्या कराया, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रीन लाइन दिखा रही है, कोई एरर नहीं है, ये हमसे कह रहा है कि यहाँ जो मैंने हार्ड कोडेड टेक्स्ट कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एक रिसोर्स में जाके, वैल्यूज़ में जाके एक स्ट्रिंग होता है जहाँ पे हम हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो हमें सजेशन दे रहा है कि हार्ड कोडेड टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग में मूव करें, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिए। इस वीडियो में इतना ही, और तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।